मैंने अपने लिए दोस्तों एक भुजे की टोपी भी बना ली। दगड़िया नमस्कार, पहला कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। नई दिन की शुरुआत, नई ब्लॉग के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों जो पेड़ में 5 भुज थे, जो मम्मी बोल रही थी तू पेड़ में जाके तोड़ के लेके आएगा, मैं तो गया नहीं, बुआ गई थी तोड़ के लेके आ गई। ये है दोस्तों वो 5 भुज, आज इनको कोर के बनाएंगे बड़ी। मम्मी बोली एक दिन सुखाते हैं उसके बाद ही बड़ी बनाएंगे। और मैं भुज कोरने के लिए ये सामान लेके आ गया, ये देखो। ये है दोस्तों वो सामान, ये माही ने पूरा खोल लिया, वो आधी वो इशिका ले गई वहाँ पर, वो देखो कोरनी है। निकाल इसका सामान, निकाल, निकालो निकालो सामान निकालो, बैर निकाल दे को ले इशिका, तको यहाँ ले बाबू को दे। मम्मी निकाल रही है दोस्तों बीज, उसके बाद मेरे को कोरने हैं। ये तो बहुत टाइट है, ये कट भी नहीं रहा, देखो मैंने चाकू इसी में छोड़ दिया। मैं तो सोच रहा था साला कच्चा होगा, लेकिन ये बोरा बहुत टाइट है दोस्तों, बहुत मजबूत है। ये काटना पड़ेगा भून से, ये निकल गया। मैं कब से लगाऊं, दो ही भुज काट पाया दोस्तों, लेकिन ये साला बहुत टाइट है। ये पहली बार मैं भुज काट रहा हूँ दोस्तों, इसको तो ऐसे फाड़ना पड़ेगा। ये अब कटेगा, ये चाकू से तो दोस्तों कट ही नहीं रहा ये। ब्रेड उल्टी पिल्ली का जंग से देख देख बगर कहानी में देख, मैं तू खचबच कर ली ना, इसका काट दूने देख। ये बाबू कौन में चेल काटे बोल बीजे देख काटे ना ये देख दोस्तों, मैंने 5 के 5 काट दिए। मम्मी की बारी है इनको कोरने की, मम्मी कोर रही है बीज के लिए। देखो ये प्लास्टिक की पन्नी मम्मी ने बिछा रखी, मम्मी वैसे ही कर रही थी, मैंने बोला बुआ डांटेगी पन्नी बिछा ले, बीज भी काम आ जाएंगे अगले साल के लिए। उसके बाद ही मैं इसको इसमें कोरूंगा, फिर बनाएंगे शाम के टाइम में बड़ी खाना खाने के बाद। इधर ये माई ने देखो भुज कोरने का सामान सारा खोल दिया, काम तो करते करते दोस्तों चाय भी आई गई है। अंजलि की मम्मी और भाभी जंगल से आ गए घास लेके, सबसे पहले हमें दे दिए चाय। मम्मी की चाय गिर गई ले आधी इमली ले ले, ले इमली ज़्यादा छू, अरे ले ज़्यादा छू नहीं इमली, ले ले थोड़ा थोड़ा ले ले, इधर नहीं होमी बस। 10 बजे से बैठा था दोस्तों भुज कोरने के लिए, 1 बज गया, बहुत टाइम लग गया। मैं तो सोच रहा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लग गया दोस्तों। अब मम्मी इसको धो के डाल रही है सुखाने के लिए, थोड़ी देर के बाद बनाएंगे इसकी बड़ी खाना खाने के बाद। खाना भी बुआ ने बना ही लिया। अब आ गई बुआ छत पे ये भुज के गंदगी की सफाई करने के लिए। मम्मी ने यहाँ पर डाल रखे हैं बीज सुखाने के लिए। ये हैं दोस्तों मगज, जो 750 रुपये किलो है, आधे किलो तो होगा ही ये सूखने के बाद। बुआ ने दोस्तों खाना बना ही लिया है, खाना खाने के बाद डालेंगे फिर बड़ी। कितनी अच्छी खासी धूप आज दोस्तों यहाँ पर आई हुई है, धूप में बैठ के मैं हो गया हूँ काला। दिल्ली से जब आया था बिल्कुल गोरा था दोस्तों, 5 दिन हुए आए हुए, काला हो गया धूप सेक सेक के। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको अपना गांव का खूबसूरत नज़ारा। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है हमारा गांव, पूरी हरियाली है, पेड़ों की वजह से पूरा गांव दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो दोस्तों ऐसे इसको सुखाया जाता है, उसके बाद ही जब सूखेगा तभी इसमें दाल मिक्स की जाएगी, उसके बाद ही इसकी बड़ी बनेगी। अभी 2 बजे के बाद डालेंगे हम बड़ी, वो भी दिखाऊंगा दोस्तों आपको, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। इतना भी आसान नहीं है दोस्तों कोरना, देखो मेरे हाथ भी पूरा छिल गया दोस्तों, ये देखो खून निकलने लग गया।
उधर दोस्तों बुआ भी फिसली गई थी। ने अपने लिए दोस्तों एक भुजे की टोपी भी बना ली है, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों, ठंडा ठंडा लग रहा है इसमें सिर। धूप में बैठा था यही टोपी डाल के, लेकिन यार दोस्तों जलन भी हो रही है, देखो हाथ मेरा छिल गया। मैं तो सोच रहा था भुजा छीलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत मेहनत का काम है, पूरे 3 घंटे लगे। खून भी निकलने लग गया, बुआ को बोला दवाई लगा दे, अभी दवाई लाई नहीं। ये माही भी अपना कपड़ा अपने आप धो रही है, देखो माही क्या करना है तू यार, इशू भिज गिजे तो माओ कनिस्टर में रखा है बुआ ने गर्म पानी। बुआ का खाना भी दोस्तों बनी गया है, सबके लिए खाना डाल रही है, खाना खाएंगे बाहर धूप में। आज बुआ ने बनाई है बड़ी की सब्जी, बड़ी की सब्जी बनाई है दोस्तों आज बुआ ने। अभी अंजलि और गोलू स्कूल से आए नहीं, वो भी थोड़ी देर के बाद ही आएंगे, तब तक हम खाना खा लेते हैं। पापा का भी अभी टाइम हुआ नहीं है, पापा भी लेके आएंगे, कल तो जल्दी आ गए थे लेकिन आज अभी 1 ही बजा है, कल पापा 2:30 बजे तक आ गए थे। मम्मी बोल रही है बड़ी कल डालेंगे धूप में, खेत में आ गए तरूड़ निकालने के लिए, पहाड़ी तरूड़, बहुत अच्छी सब्जी बनती है दोस्तों तरूड़ की। इधर पापा भी आ गए तरूड़ निकालने के लिए, एक साइड मम्मी निकाल रही है एक साइड पापा निकाल रहे हैं, लगता है आज तो बहुत सारा तरूड़ निकलेगा। मम्मी और पापा ने एक सब्जी तो निकाल ही दी है तरूड़, ये देखो टूट टूट के निकाल रखा है, लेकिन एक सब्जी बन जाएगी आज। इधर शाम के टाइम में बच्चे खेल करने लग गए हैं, किशन भैया के बच्चे भी आए हैं दोस्तों, और एक हमारी गोलू है जो खेल करने के लिए नीचे से गांव से आए हुए हैं। इधर बुआ ने शाम के धुआं भी लगा दिया है।